मैं पंकज सेन विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि हम लोगों की जो यूट्यूब फैमिली है वो 10,000 के पार हो चुकी है। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 की वैकेंसी पे बहुत सारी रेट पहले भी लग चुकी हैं, डिसाइड भी हो चुकी हैं और फिर भी अभी भी बहुत सारी रेट लगी हुई हैं। कुछ समय पूर्व आप लोगों को इंद्रविजय सर के द्वारा जानकारी दी गई थी जिसमें आपको बताया गया था कि एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जो है माननीय पूर्व चीफ जस्टिस के सामने पिटीशन लगाई गई थी जिसके द्वारा मांग की गई थी छात्रों के द्वारा कि फिर से रिजल्ट निकाला जाए क्योंकि बहुत कम लोगों को एलिजिबल माना जाएगा 70% और 3 साल की वकालत के संबंध में और उसमें बहुत कम लोग जो है एलिजिबल होंगे उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी नीचे आना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि जो निर्णय है परीक्षा सेल का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है, फिर से कट ऑफ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद माननीय चीफ जस्टिस जो पूर्व चीफ जस्टिस महोदय थे वो रिटायर हो गए और नए चीफ जस्टिस ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद जो पूर्व चीफ जस्टिस का आदेश था उसके संबंध में रिव्यू पिटीशन फाइल की गई जिसके लिए एडमिट किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, उस पर सुनवाई हुई और वर्तमान चीफ जस्टिस के द्वारा उस पर ध्यान दिया गया, हर एक प्रश्न का खुद प्रश्न किया गया और उस पर खुद जवाब प्राप्त किया गया। हर एक प्रश्न पर उन्होंने सुनवाई की, हर एक प्रश्न पर लगभग सुनवाई के सभी को मौका दिया, कुछ लोगों को सुनवाई का मौका दिया जाना बाकी है। उस प्रोसीडिंग को मेरे द्वारा देखा गया और देखने से ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। बड़ा निर्णय से तात्पर्य यह है कि जो छात्र एलिजिबल हैं मतलब 3 साल की वकालत का अनुभव रखते हैं और 70% का क्राइटेरिया पार करते हैं पर मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है उसको पार नहीं कर पाए थे। 1/10 का रेशियो जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से तय किया गया है कि 1/10 जो है मतलब एक पोस्ट के लिए 10 छात्र जो है मध्य प्रदेश सिविल जज का मेंस देने के लिए एलिजिबल होते हैं, जितनी भी पोस्ट होते हैं उनके 10 गुना बच्चे। पर अभी वर्तमान सिनेरियो में जो है यदि 3 साल के वकालत के अनुभव की बात की जाए और 70% की बात की जाए तो जिन लोगों ने वर्तमान में मेंस दिया था उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं बाहर हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में नए बच्चे जो हैं एलिजिबल हो जाएंगे और जो कट ऑफ तय किया गया था माननीय हाई कोर्ट के द्वारा परीक्षा सेल के द्वारा उस कट ऑफ से कट ऑफ जो है नीचे आ जाएगी। तो जो लोग जो हैं कट ऑफ के नीचे नंबर आए हुए हैं मतलब 112, 111, 110 जनरल के संबंध में, ऐसे ही ओबीसी के संबंध में भी है, ऐसे ही एससी और एसटी के संबंध में भी है। तो जो कट ऑफ के नीचे नंबर लाए हुए हैं पर कट ऑफ के इर्द गिर्द हैं मतलब 5, 6, 8 नंबर आसपास हैं वो लोग अपने आप को तैयार कर लें क्योंकि बहुत जल्दी जो है इस मामले में सुनवाई होगी और इस पर जो ऑर्डर दिया जाने वाला है लगभग यही रहने वाला है। जिस हिसाब से प्रोसीडिंग्स को देखा गया है उससे देख के जो अनुमान लगाया जा सकता है उसमें यही स्पष्ट होता है कि फिर से प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा और जो लोग और क्वालिफाई पाए जाएंगे उनके संबंध में फिर से मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा और मेंस के बाद फिर से जो है इंटरव्यू की एक नई कट ऑफ तैयार की जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। तो देखिएगा आप जल्दी से ही हो सकता है कि 12 तारीख तक या 11 तारीख तक जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाए और हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो है फिर से रिजल्ट आएगा। तो यदि आप उस कट ऑफ के आसपास हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी चालू कर दीजिएगा, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिएगा। हो सकता है कि आपको भी इस ऑर्डर के बाद जो है मेंस देने का मौका मिल जाए। आशा करते हैं जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए विधान लॉ क्लासेस से और मैं पंकज सेन आपको आगे की जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।